तो नवंबर के मौसम में यहाँ पे हो गई है ड्रिजलिंग स्टार्ट और हम आए हैं कैफ़े 1947। थोड़ा फूड एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ का वन ऑफ द फेमस कैफ़े है और ये मेन यहाँ से अटल टनल की ओर जो रोड जाती है रोहतांग पास के लिए वहीं पे पड़ता है। तो अंदर चलते हैं। तो अभी मेरे पीछे है कैफ़े 1947। मैं जस्ट वहाँ से अभी फूड एंड कॉफ़ी टी टेस्ट करके आए हैं पूरी फैमिली। तो अगर मैं यहाँ का रिव्यू बताऊँ तो जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं तो बड़ा कोजी सा एक एम्बियंस है अंदर का, बड़ा कोजी सी फील आती है अंदर जाके, बड़ा लाइट म्यूजिक चल रहा है। एंड जैसे आप एंटर करते हैं लेफ्ट साइड पे लाइव म्यूजिक का भी काउंटर है। बाकी अबाउट लोकेशन, लोकेशन इज द बेस्ट जिसके लिए आई गेस कैफे 1947 कोई भी आएगा तो लोकेशन के करके आएगा, क्योंकि इसके आगे आप देखोगे तो रिवर साइड पे है बिल्कुल। तो ये बड़ा अच्छा सा व्यू पॉइंट है, नीचे भी सिटिंग है बट वहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है, तो सोचा कि यहीं बैठ के कुछ फूड एक्सप्लोर किया जाए। वो देखो क्या लेना। तो ये यहाँ पे कॉजी सा सिटिंग है, यहाँ पे लाइव म्यूजिक का भी है अरेंजमेंट बट अभी नहीं हो रहा, अभी हम शाम के टाइम आए हैं। तो लेट्स सी क्या खाते हैं। और अबाउट फूड मैं कहूँ तो फूड यमी था, नो डाउट इन इट। जब चाय में आई एम टी लवर चाय आई तो उसका जो अरोमा था, जो फ्रेगरेंस थी उस चाय की, वो नॉर्मली मनाली में या पहाड़ों में इतनी अच्छी नहीं मिलती बट यहाँ पे बहुत अच्छी थी। पिज़्ज़ा अच्छा था, फ्रेंच फ्राइज हमने ट्राई करे, जो इनकी सर्विंग का तरीका है हर एक प्लेट पे कैफे 1947 प्रिंट किया हुआ है, वो बड़ा सही लगता है अगर आप फोटोज़ क्लिक कराते हैं तो। और अबाउट फोटोज़ क्लिक कराने के लिए तो अच्छी लोकेशन है ही है, नो डाउट इन इट। तो थोड़ा सा अगर प्राइजेस पे आए हैं, प्राइजेस थोड़े से ओवर एवरेज प्राइस हैं और वो थोड़ा सा बनता भी है क्योंकि जो लोकेशन आप दे रहे हो और जो सर्विस आप दे रहे हो, एम्बियंस दे रहे हो, तो उसके उतना तो बनता है। और अगर मैं कहूँ कॉस्ट फॉर टू, इट विल बी अराउंड 800 to 1000, दैट्स फॉर नॉन अल्कोहलिक बजट। और अगर आप अल्कोहलिक हैं, ड्रिंक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी अंदर अवेलेबल हैं मेन्यू। आप अगर मैंने बीच में थोड़ा सा लिया भी, आप स्क्रीनशॉट लेके देखना चाहें या ऑनलाइन अवेलेबल भी होंगे वहाँ पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल वर्थ इट है, आना बनता है यहाँ पे अगर आप मनाली आते हैं तो, लाइक एक्सप्लोर करना कैफ़े 1947 को बनता है। ऐसे ही आपको और भी कैफेज एंड लोकेशंस के बारे में जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट करके बताना कुछ भी अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं किसी नई लोकेशन पे नए व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।